बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब में पेपर है घर में। मैं सूरज राज आज शुभ देखने जो छात्र बीए पार्ट वन में है जियोग्राफी का सेकंड पेपर लेके आए। मतलब कि जो छात्र प्राइवेट स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो प्राइवेट छात्र फॉर्म भर देते हैं, अपना घर बैठे पढ़ाई करते हैं, तो उनका ईयर वाई पेपर होता है, और जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनका सेमेस्टर वाई पेपर होता है। ये दो तरीके से यूनिवर्सिटी ने डिवाइड किया है पेपरों को। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको दोनों तरीके से तैयारी कराते हैं, ठीक है। आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बी बी एस सी कुछ भी कर रहा है तो उन्हें बताओ कि पेपर है कर, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि आप बेहतर पढ़ाई करने वाला है अपने ही यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पर। यहाँ देखो, यहाँ बोला गया है कि मानव भूगोल की प्रकृति एवं शाखा उनके बारे में बताना है और विकास क्रम के बारे में आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव एवं वातावरण क्या होता है और सक्रियता सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए क्रियाशीलता सिद्धांतों के बारे में आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ नव देखो यहाँ कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में टिक लगाएंगे अपने बुक नोट्स के पेपर पर। ये 17 से 18 क्वेश्चन याद करके आप 85% प्लस लाने वाले हैं, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है नव निश्चयवादी का होता है उसके बारे में, और यहाँ बोला गया है संभाववाद भौगोलिक विचारधारा एक निबंध है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में टिक लगाएंगे विश्व में जनसंख्या वृद्धि प्रमुख चरण, मतलब जनसंख्या भारत में नहीं बताना है, पूरे विश्व के बारे में बताना है किस तरीके से किस चरण से जनसंख्या की वृद्धि हुई है। यहाँ बोला गया है जन स्थानांतरण क्या होता है, मानव या फिर इसे बोल सकते हैं मानव प्रवास का अर्थ क्या होता है, मानव प्रवास किसे कहते हैं। वहीं बात करें ग्रह, ग्रह का अर्थ क्या होता है, ग्रह को हम आश्रय भी बोल सकते हैं, आश्रय का अर्थ क्या होता है। मानव कह सकते हैं अधिवासों का वर्गीकरण करते हुए उनकी विशेषताओं के बारे में देख लेना है। यहाँ है खाद्य संग्रहण क्या होता है, प्राथमिक कृषि पर निबंध आपको बताना है, प्राथमिक कृषि कौन सी होती है उस पर निबंध। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन कृषि व्यवस्था के, प्राचीन की कृषि कैसी थी, प्राथमिक कृषि कैसी थी, उन दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। प्राथमिक कृषि की जो अवस्थाएं हैं तो मैंने ऊपर बता रखे हैं, निबंध लिख दो तो वहीं याद हो जाएगा। पशुपालन क्या होता है, पशुपालन के बारे में याद कर लेना। प्राचीन ढंग से शिकार करना, पहले प्राचीन ढंग से कैसे लोग शिकार करते थे उसके बारे में। मानव विकास के विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है, मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताना, किस तरीके से मानव का विकास हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। यह है सांस्कृतिक परिमंडल की अभिप्राय क्या है, उसकी विशेषताएं आपको देख लेनी है, ठीक है, स्कीमो। और यहां है जो खिरजी कह सकते हैं खिरगिज क्या होता है, खिरगिज के बारे में आपको देख लेना है। नया नागा और यहाँ कह रहा है भी नागा भील, ठीक है। और मानव भूगोल वातावरणीय में प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इसको छोड़ देना, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, ये भी सब छोड़ो, बस जो बॉक्स बंद कर रहा हूँ भाई पढ़ा। मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में आपको याद कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि के परिमाण क्या है उनके बारे में आपको देखना है यूरोप, और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि यूरोपीय मानव महासमूह विशेषता कौन कौन सी है। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको अपने बुक नोट्स जैसे पर टिक लगाओ, बाकी कुछ मत देखना। मत्स्य उत्पादन क्या होता है, मानव अधिवास का अर्थ क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि के घटक उनके कारण के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से हैं, कारण कौन कौन से वो देखना है। ग्रामीण अधिवास एवं उनकी विशेषताओं के, ग्रामीण अधिवास उनके विशेषताओं के बारे में याद करना है। शिकार अर्थव्यवस्था क्या होता है, शिकार अर्थव्यवस्था के बारे में देखना है। और आपको ये देखना है कि जो बगाती कृषि विशेषता क्या है, जो बगाती कृषि व्यवस्था के बारे में आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के जन्म विकास के प्रमुख अवस्थाओं के बारे में, मानव के जन्म विकास के प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी है वो आपको देखना है। और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि गड्डी जनजाति की जीवन के बारे में देखना है, ठीक है। और यहाँ है मानव प्रजाति की भिन्नता क्या है, मानव प्रजाति की भिन्नताओं के बारे में देखना है, निवास क्षेत्र के बारे में देखना है, ठीक है। ये आर्थिक जीवन का वर्णन आपको देखना है, वैस कह सकते हैं बुशमैन के निवास क्षेत्र के बारे में आपको याद करना है। ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस ला सकते हो, मतलब इसके अलावा कुछ और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइवेट स्टूडेंटों के लिए बेहतर अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, पेपर है कर यूट्यूब चैनल को, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।